मंगल रूप निधान सांवरो मंगल रूप निधान मंगल रूप निधान सांवरो मंगल रूप निधान जाद न के जय जय श्री सूरज कलिंद नंदिनी जय जय श्री सूरज कलिंद नंदिनी जय जय श्री सूरज कलिंद नंदनी जय जय श्री सूरज कलिंद नंदिनी गुलमलता तरु सुवास कुंद कुसुम मोद मात गूंजत यलि सुभग पुलिन वायु मंदिनी जय जय श्री सूरज कलिंद नंद हरि समान धर्मशील कांति सजल जल धनील कटिनितंब भेदत नित गति युतंगे सीता जनु फल कंकनयुत भुजत रंग कमलन उपहार लेत पिय चरण वंदिनी जय जय श्री सूरज कलिंद नंदिनी जय जय श्री सूरज कलिंद नंदिनी जय जय श्री सूरज कलिंद नंद श्री गोपेंद्र गोपी संग
श्रम जल कन सीत गए अति तरंग नीरसिक सूर सुफंदिनि गुल्मलता तरु सुवास कुंद कुसुम मोदमात गूंजत अलि सुभग पुलिन वायु मंदिनि जय जय श्री सूरज कलिन समान धर्मशील कांति सजल जलद नील कटिनितंब भेदत नित गति युतोंगिने सिक्ता जनु ताभल कंकन युत भुज तरंग कमल नयुप हार लेत Thank you.
द्वारका चार धामोनुं एक खास महत्वनुं मोटुं स्थान छे, ज्यां लाखोनी संख्यामां लोको दर वर्षे दर्शन माटे आवे छे यात्राळुओ। यात्राना मोटा स्थान तरीके द्वारकामां गवर्नमेंटना सहयोगथी अने रिलायन्सना पब्लिक पार्टनरशिप पीपीपी मॉडलमां खासा एवा सारा प्रोजेक्ट्सनुं अमे लोकोए गवर्नमेंट जोड़े रही अने सारा एवा प्रोजेक्ट्स कर्या छे। एमानुं एक खास मोटुं प्रोजेक्ट सुदामा सेतुनुं छे, जेनाथी सामे पंचकुईनुं डेवलपमेंट आगळ थઈ શકે। એના માટે વચ્ચે ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ હૃદય પ્રોજેક્ટ તરીકે પણ મોટી રકમ ફાળવવાનું નિર્ણય લીધો હતો। એ જ રીતે ત્યાં સારું એવું ડેવલપમેન્ટ થાય, ઓવરઓલ દ્વારકાનો માસ્ટર પ્લાન બનાવી અને જે એન્ક્રોચમેન્ટવાળો એરિયા છે એ પણ થોડોક કાઢી અને ખાસું એવું ડેવલપમેન્ટ થઈ શકે દ્વારકામાં, જેનાથી યાત્રાળુઓને સારી સુવિધા અને એક કમ્ફર્ટ મળે દર્શન કરવા માટેનો, જે દ્વારકાની મહિમા છે 56 સીડીથી ચડવા માટેની, અને જે આપણે મોક્ષ દ્વારથી એન્ટ્રી લઈએ, સ્વર્ગ દ્વારથી એક્ઝિટ લઈએ, એ રીતેની જે એની મહિમા અને જે આખું સર્ક્યુલેશન એક સાયકલ બની શકે દર્શનની, એ રીતેનો પણ આખો અત્યારે માસ્ટર પ્લાન બને છે। અને દ્વારકામાં ખૂબ જ સારા ડેવલપમેન્ટ થશે આવતા દિવસોમાં, કે લોકોની સુવિધા અને સગવડ સાચવી અને લોકોને વધારે ને વધારે યાત્રાળુઓ ગુજરાતમાં આવે અને દ્વારકાના દર્શનનો લાભ લઈએ, એના માટે અમે લોકો ખૂબ પ્રયત્ન કરીએ છીએ। આજે અષ્ટમી હોય, બંને આરતીની અંદર સવાર અને સાંજ આ હોળાષ્ટકથી લઈ અને ફૂલડોલ સુધી 7 દિવસ ભગવાનને વેલાલ અને અબીલ દ્વારા
ખેલ કરવામાં આવે છે અને એ પ્રસાદી દલાલ દ્વારા અને અબીલ દ્વારા પ્રજાજનોને પ્રસાદ રૂપે રંગે રંગ ઉડાડી અને ખેલ મનાવવામાં આવે છે। આ પરંપરા 5000 વર્ષ પુરાણી છે અને ભક્તો આ રંગમાં રંગાય અને ભક્તિના રંગે ચંગે તેઓ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરતા હોય છે એવી ભાવનાથી દ્વારકાધીશ મંદિરની અંદર 8 દિવસ સુધી આ હોળીનો ઉત્સવ મનાવવામાં આવે છે। ठाकोरजी द्वारकाधीश भगवान मथुरा में जन्म थयो, गोकुल में रहा और 126 वर्ष भगवान आयुष्य में भगवान द्वारका में 100 वर्ष भगवान वसवाट कर द्वारका ने कर्मभूमि बनाई एटले द्वारका में भगवान अजाध्यात तरीके बिराजमान है। भगवान द्वारका में 100 वर्ष वसवाट कर द्वारका नाम आप भूमि ने द्वारका द्वारका एटले द्वारका ने द्वारका नाम आप द्वारका में भगवान ने आखा वर्ष में जन्माष्टमी फूलडोल दिवाड़ी तमाम उत्सवों उजा एट्ले कि 42 उत्सवों भगवान ने व्रत उजा भगवान ने राजा राज भावती सेवा करवामां आवे छे। भगवानना स्वरूपमां 16 प्रकारना चिन्ह छे, ते चिन्हनी अंदर ठाकोरजीना शंख चक्र गदा पद्म कौस्तुभ मणिना अभिगमन एवं
16 પ્રકારના ચિહ્ન છે. ભગવાનને રાજભાવની સેવા હોવાથી ભગવાનને સુવર્ણના જરીના જરકોતીના ભગવાનને વાઘા ધારણ કરવામાં આવે છે. ઠાકોરજીને વિવિધ પ્રકારના મુકુટ ધરવામાં આવે છે. ચાદર વાઘો, કુલેર, મોર મુકુટ, પૂનમના મોર મુકુટ, બેસતા વર્ષ નૂતન વર્ષના કુલે મુકુટ, દિવાળી અમાસના કીટ મુકુટ ભગવાનને ખાસ બંને આરતીમાં વજનની યાદ માટે વાંસળી થઈ ધરવામાં આવે છે. આ પ્રકારે ઠાકોરજીના ઉત્સવ મનાવવામાં આવતા છે. ભગવાનને ઠાકોરજીને રોજ નિત્ય 11 ભોગ અને 4 આરતીનો ભગવાનનો નિત્યક્રમ રહેલો છે. જય ગોપી જન વલ્લભ, જય ગિરિવર ધારી હો, જય ગોપી જન વલ્લભ, જય ગિરિવર ધારી હો, જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી, જય ગોપી જન વલ્લભ,
जय गिरिवर ओ जय गोपी जय गिरिवर धारी हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी द्वारिकाधीश का यह जो प्राचीन मंदिर है, यह भगवान श्री कृष्ण के और भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य का ऐसा समन्वय है, यहाँ पर शिव और भगवान विष्णु का ऐसा समन्वय है जो समन्वय अन्यत्र कहीं देखने को प्राप्त नहीं होता है। जब 5000 वर्ष पूर्व भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, वृंदावन में उन्होंने लीलाएँ की और सारी लीलाओं को कंस का वध करने के बाद में जब उन्होंने द्वारिका को बसाया तो इस स्थान पर आए। और कहा जाता है कि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती सप्तिका मोक्षदायिका, ये जो 7 पुरियां हैं उसमें प्रमुख भगवान द्वारिकाधीश की यह द्वारिकापुरी है और यह भारतवर्ष के 4 धामों में एक धाम है। जैसे बद्रीनाथ, राम गोवर्धनपुरी, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम और ये द्वारका, तो यह द्वारकापुरी 4 धाम में एक धाम है, सप्तपुरियों में एक पुरी है। और सनातन परंपरा की जो कहा जाता है कि मूल धारा है, यह भगवान की द्वारकापुरी है। भगवान की यह द्वारकापुरी को उन्होंने बसाया और जब भगवान यहाँ से चले गए तो भगवान का महल छोड़ करके और सारी द्वारिका समुद्र में चली गई। उसी आधार पर भगवान द्वारिकाधीश के जो पौत्र थे वज्रनाभ, अनिरुद्ध भगवान के पुत्र थे वज्रनाभ जी, उन्होंने इस द्वारिका को बसाया। और बसाने के बाद में जब उनका भी शरीर पूरा हो गया और कालांतर हुए, आगे अनेक प्रकार के अधर्मियों का इस भारतवर्ष में उत्थान हुआ, उस समय यह द्वारिकापुरी को फिर से नष्ट भ्रष्ट कर दिया लोगों ने। किसी तरीके से भगवान द्वारिकाधीश की जो मूर्ति है उसको लोगों ने उठा यहाँ से निकाल करके यहाँ पे सरस्वती वाव है उसमें फेंक दिया। तो जब सारे सनातन धर्म का पुनरुद्धार करने के लिए भगवान शिव का शिवावत अवतार हुआ, जो भगवान शंकराचार्य के रूप में पूजित और आज तक पूजित हैं, उन्होंने वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने अपना चारों पीठों में प्रथम पीठ इस स्थापना यहाँ द्वारिका में की। और कहा जाता है कि प्रथमं पश्चिमाम्नाय शारदा मठ उच्यते, यहाँ पे शारदा मठ शारदा पीठ की स्थापना की। पूरे द्वारिका में विधर्मियों का कब्जा हो गया था, उन विधर्मियों से द्वारिका को मुक्त कराया। भगवान द्वारिकाधीश की जो मूर्ति थी उस मूर्ति को लोगों ने यहाँ पर कुआं में छुपा दिया था, भगवान शंकराचार्य ने भगवान द्वारिकाधीश की मूर्ति को निकाला और फिर से इसी मंदिर पर स्थापित किया। तो यह जो प्राचीन मूर्ति है यह वही 5000 वर्ष पुरानी है और भगवान शंकराचार्य आज से 2500 वर्ष पूर्व अर्थात ईसा से 537 वर्ष पूर्व जो है हुए और उन्होंने यहाँ पे द्वारिकाधीश की पुनः स्थापना कराई, मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया। और जीर्णोद्धार करा करके पूरे देश में यह पश्चिम की ओर से यहाँ पर अपने शिष्य सुरेश्वराचार्य को यहाँ पर बैठा करके और पूरे पश्चिम क्षेत्र को उन्होंने सुरक्षित किया। Thank you.
नमोय भूत भूतनाथ नंदीश्वर श्रीहरे वहत गंग शिर परे जटावतंग पर परे हिमालये उमा सहित शोभितम निरंतरम उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम। नमोय भूत भूतनाथ नंदीश्वर श्रीहरे वहत गंग शिर परे जटा उतंग पर परे। मंगल नाम मनोहर सुंदर शंकर 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 सुमर लो शिव नाम शुभंकर शंकर 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 शंकर। मंगल नाम मनोहर सुंदर शंकर 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 शंकर। Thank you.
अखिलेश्वर मने आप गावो अखंड आनंद हे अविनाशी अखिलेश्वर मने आप गावो Thank you.
काना नाना छाना माना आव जो मारे घेर रे काना नाना छाना माना आव जो मारे घेर वारी जाओ आव जो मारे घेर रे काना नाना छाना माना काना नाना छाना